एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारे पास थोड़ी सी बुरी खबर है, क्योंकि इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी और उसका कारण मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था और बीच में मेरा बर्थडे भी था, वो 20 अप्रैल को, तो मैं उसके वजह से थोड़ा बाहर चला गया था। तो इस वजह से मैं मछलियों को बिल्कुल भी अपनी ध्यान नहीं दे पाया और उसके कारण हमारे एक टैंक में बहुत सारा दिक्कत हो चुका है। जो कि हमारा कॉन्वेंट सिकलेट के बच्चे थे वो सारे के सारे मर चुके हैं भाई, मर चुके हैं। क्योंकि मैं इसे क्लीन बिल्कुल नहीं कर पाया क्योंकि मैं बाहर था, और ये सब मछली को तो मेरे घर वालों ने खाना अच्छी तरीके से दे दिया, तो कोई दिक्कत भी नहीं हुई इन्हें। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, इन्हें कैसे फीडिंग करना है और क्या करना है, कितने टाइम पानी बदलना है, ये सब हमारे घर वाले नहीं कर पाए। तो इस वजह से भाई, इसी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से देख सकते हैं भाई, यहाँ सारे बच्चों की डेड बॉडी, सिर्फ एक दो ही बच्चे हैं, देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, घूम रहे होंगे, और बाकी के आईज देख सकते हैं आप लोग, ये आपको दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे बच्चे हैं जो कि यार डेथ हो चुकी है उनकी। क्या कर सकते हैं यार, मैं बाहर चला गया यार, इसी टाइम पे मुझे बाहर जाना था और बहुत ज़रूरी काम भी था, तो इस वजह से देख सकते हैं और कितना ज़्यादा गंदगी भी है। और मुझे तो पूरा यकीन है कि इसी वजह से ही इनकी डेथ हुई है, क्योंकि पानी का अमोनिया लेवल बढ़ चुका होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा फिल्टर भी नहीं है और अच्छा फिल्टर नहीं है, मतलब बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए। और इतना सारा वेस्ट वाला फूड रहेगा और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनकी तो डेथ होनी ही थी। और क्या यार, काश, मैं सोच रहा था कि ये बच्चे बड़े होते और मस्त खेलते तो कितना ज़्यादा मज़ा आता ये वाले टैंक में, लेकिन यार हो ही नहीं पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका हूँ यार, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और वीडियो इसलिए लेट आ रही थी, और आज तो शायद 8वां दिन है हमारे वीडियो का, 8 दिन का गैप बहुत होता है यार, तो आज से वापस आ चुका हूँ मैं और फिर से हम वीडियो बनाएंगे और क्या कर सकते हैं यार। लेकिन इनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है यार, हमारे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हुए थे और कुछ ही बच्चे हैं, बस शायद एक दो ही बच्चे होंगे, जो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक बच्चा यहाँ पे घूम रहा है। क्या यार, तो क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देखो भाई, सारे के सारे बच्चे की डेथ हो गई भाई। तो अब मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ और क्या ही कर सकता हूँ, अब पहले मुझे क्लीन करना था, लेकिन अब साइफन पाइप ले आता हूँ और इसमें जो एक दो बच्चे हैं उसे ही बचाते हैं, और क्या कर सकते हैं। और शायद वो ना भी बच पाए क्योंकि एक बच्चा बच रहा है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, क्या ही बोलूँ भाई। और मुझे अपने ऑस्कर को भी देखना है, ऊपर वाले ऑस्कर को क्या हालत है उसकी, और बहुत सारा काम है यार। आज सुबह सुबह ही मैं और मैं देखा कि भाई ये हो गया हमारे घर पे, तो चलो जल्दी से इसे क्लीन करते हैं, उसके बाद ऊपर देखेंगे कि कैसा है हमारा ऑस्कर और क्या है ऑस्कर का हालत। बाल्टी और साइफन पाइप ले आया मैंने, और चलो भाई इसे क्लीन कर लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं भाई। अब मुझे भी पता नहीं था कि भाई कि मैं इतने दिन के लिए बाहर चला जाऊंगा, तो इस वजह से ये सब दिक्कत हुआ भाई। तो इसमें सिर्फ एक दो ही मछली है और उसको देखते हैं, चलो ये सारी गंदगी को पहले निकाल लेते हैं। और बहुत सारी डेड बॉडीज है यार, छोटे छोटे देखो, चलो पंप। पता नहीं यार, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे बच नहीं पाते, लेकिन गप्पी के बच्चे बहुत ज़्यादा सही हैं भाई, और उन्हें तो 3 दिन तक खाना किसी ने दिया भी नहीं है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा सही है। और आज ही मैंने उन्हें खाना दिया है भाई, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा गप्पियाँ, ये देखो, ऐसे करके हमको क्लीन करना था सिर्फ, लेकिन इतना हमारे घर वाले नहीं कर सकते। ये देखो, चलो भाई, ये देखो छोटे छोटे बच्चे भाई, आपको दिख रहे होंगे, ये देखो कितने सारे हैं यार। तो जब तक ये क्लीन हो जा रहा है, तब तक मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि हमारे गप्पी और ऑस्कर कैसे हैं और सब बढ़िया है कि नहीं। दोस्तों ऊपर आ चुके हैं और ऑस्कर लोग तो बहुत ज़्यादा ठीक है भाई, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं। और इसका पानी थोड़ा सा कम हो चुका है और मुझे थोड़ी सी सर्दी हो चुकी है, ये देखो। मैं इसे बहुत ज़्यादा जल्दी अपने मॉन्स्टर टैंक में डालने वाला हूँ भाई, क्योंकि इसे यहाँ रखने से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है भाई, क्योंकि देख सकते हैं इतनी ज़्यादा बड़ी है और मैंने इसे अकेले रख दिया है, तो यार थोड़ा सा बुरा लग रहा है। और यहाँ देखो, यहाँ देखो भाई, इस वाले टैंक में पूरा एल्गी लग चुका है, ब्राउन हो चुका है ये हमारे पूरा पानी, देख सकते हैं। और ये जो है, इसे हमें क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी भी डेथ हो जाएगी भाई। और हालत देखो भाई टैंक की,
बहुत दिन से साफ सफाई कुछ भी नहीं हुई थी, मतलब एक हफ्ते से कुछ भी नहीं हुआ था। तो भाई इसे भी अपने को क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि पानी तो बदलना ही बदलना है और बाकी तो सब ठीक रहता है। और मछलियाँ कहाँ भाई? मछली मुझे दिख नहीं रही है भाई, कहाँ छुप गई मछलियों? अच्छा ये देखो, एक यहाँ पे छुपी हुई है। और गप्पी के बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ भाई, गप्पी के बच्चे को कुछ नहीं होता, गप्पी बहुत ज़्यादा सही चल रही है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं इन लोग, और फूड भी बहुत अच्छा इन्हें मिल रहा है। और देख सकते हैं ये वाला फूड मैं दे रहा था इन्हें, देखो भाई सर्दी सर्दी की हालत हो चुकी है हमारी, और 3 दिन से फूड इन्हें दिया नहीं था, तो आज सुबह सुबह मैंने आके दे दिया। और देखो बच्चे, देखो टेल आ गया भाई इसका, तो सब चीज़ बढ़िया है। लेकिन बस हमारा नीचे वाला जो फ्राइज वाला टैंक था वो थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो क्या कर सकते हैं यार, उसे अब पूरा हटाना पड़ेगा और उसमें कुछ है भी नहीं अब। और इस वाले टैंक में भी इसके माता पिता थे, जिसे मैंने यहाँ डाल दिया है, और एक शायद अंदर है एक बाहर है भाई साहब। तो यही थी एक छोटी सी अपडेट, और बहुत जल्दी हमारा एरवाना टैंक आने वाला है, तो उसकी भी अपडेट आपको देने वाला हूँ मैं बहुत जल्द। और हमारा कोई पॉइंट का अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, तो पहले इसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कोई पॉइंट का अपडेट देने वाला हूँ। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे कुछ मज़ेदार कंटेंट साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।